प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका होली गोस्ट प्रोडक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। आज का वचन जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बुलाहट से बाहर ना जाएं, गिनती 12 के एक आयत में लिखा है, मूसा ने तो एक कूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहिता कूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हर एक के जीवन में बहुत बड़ी बुलाहट है, इसलिए उस बुलाहट को आप समझें और उससे बाहर जाकर काम ना करें, क्योंकि जब आप बुलाहट से बाहर जाकर काम करते हैं फिर आप अपनी आशीष को गवा लेते हैं। बाइबल में हम जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि जब उसने कूस की लड़की से विवाह कर लिया था, उस समय मरियम और हारून उसके खिलाफ कुड़कुड़ाए थे, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मूसा से मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का, उस समय परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा किया कि यह तुम लोगों का काम नहीं है, तुम लोग मेरे दास के खिलाफ नहीं बोल सकते। और परमेश्वर ने मरियम को 7 दिन के लिए कोड़ी कर दिया था, और हारून को उस देश में जो परमेश्वर ने देने का वायदा किया था उसमें दाखिल नहीं होने दिया, इसलिए वह अपनी आशीषों को नहीं ले पाए क्योंकि वह अपनी बुलाहट से हट गए थे। मेरे प्रियो, मरियम और हारून की बुलाहट यह नहीं थी कि वह परमेश्वर के दास के खिलाफ बोले, उनका ध्यान परमेश्वर की योजना जो उनके जीवन में थी उससे हट गया था। वह यह कहने लगे कि परमेश्वर अकेला मूसा से नहीं बल्कि वह हमसे भी बातें करता था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बुलाहट कुछ और होती है और वह अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। वह परमेश्वर को नहीं पूछते कि परमेश्वर आपकी बुलाहट हमारे जीवन में क्या है। अगर किसी की बुलाहट सेवकाई की है पर अगर वह कोई व्यापार करता है तो वह उसमें आशीषित नहीं होता, क्योंकि वह उसकी बुलाहट ही नहीं है। पर किसी की बुलाहट व्यापारी की है और वह सेवकाई कर रहा है तो वह उसमें आशीषित नहीं होता, क्योंकि जब आप अपनी बुलाहट से हटकर बाहर जाकर काम करते हैं तो आप अपनी आशीष को गवा देते हैं, क्योंकि आपकी आशीष आपकी बुलाहट में ही होती है। जब आप अपनी बुलाहट के अनुसार चलते हैं, उससे बाहर नहीं जाते, तब आप आशीषित होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना में पूछें कि परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी बुलाहट क्या है, और उसके अनुसार ही चलें और काम करें। आप अपनी बुलाहट से बाहर जाकर काम ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी आशीष को खो लेते हैं। वह काम करें जो आपकी बुलाहट के अनुसार है। आमीन। आइए अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि जो बुलाहट आपने मेरे जीवन में रखी है मैं उसके अनुसार ही चलूंगा और उससे बाहर कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि उसमें ही मेरी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन।